हेलो दोस्तों, चलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जॉय हाइड्रा बूस्ट लाइट वेट डे क्रीम का रिव्यू। इसका रिव्यू मेरे चैनल पे पहले से दिया हुआ है जो कि बंगाली में है, और ये मैं हिंदी में दोबारा इसको रिव्यू कर रही हूँ। मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आते हैं कि हिंदी में प्रोडक्ट का रिव्यू के लिए, तो इसके लिए मैंने सोचा है कि आपसे मैं कुछ कुछ प्रोडक्ट के रिव्यू हिंदी में लेकर आऊँगी। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ये जॉय हाइड्रा बूस्ट लाइट वेट डे क्रीम बॉर्डर स्पेक्ट्रम एस पी एफ 15 है, और इसका प्राइस क्वांटिटी देखते हैं। इसका प्राइस है 299 रुपीज़, और इसका क्वांटिटी है 50 ग्राम, मतलब कि 50 ग्राम के लिए आप लोगों को 290 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर डेट भी मेंशन हुआ है 2024 से आप लोग 2027 तक इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है और कैसे इसको यूज़ करना है वो भी लिखा हुआ है। अप्लाई डेली ऑल ओवर द फेस फॉर ऑयल फ्री इवन टोन स्किन। इवन टोन स्किन के लिए आप लोगों को इसको फेस पे डेली यूज़ करना है, और कोई भी जॉय का एक फेस वॉश यूज़ करने के बाद इस फेस क्रीम को आप लोग यूज़ कर सकते हो। ये है ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र फॉर डेली यूज़ के लिए, और ये डे केयर फॉर विजिबल रिफ्रेश रिन्यू स्किन। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं। बहुत ही स्लीक बोतल है, मतलब कि कांच का है, अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है। प्राइस भी मेंशन है। ये मैंने दो परचेस किया था, एक मेरे पास अभी यहाँ पर है, एक मैंने रखा है स्टोर करके रखा है। एक इसको ये अगर ख़त्म हो जाएगा तो मैं उसको भी यूज़ करने के लिए उसको स्टोर करके रखा है। तो देखते हो सी ग्रीन जो कलर है, सी ग्रीन ये क्रीम का कलर वैसा ही है। स्मेल बहुत अच्छा है, स्मेल बहुत अच्छा है, माइल्ड स्मेल है। तो चलिए इसको यूज़ करके देखते हैं। ये ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है, ऑल स्किन टाइप के लोग इसको यूज़ कर सकते हो। मैन वेमेन बोथ आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, और ये ऑल सीज़न के लिए है। ऑल सीज़न में आप लोग इस यूज़ कर सकते हो, स्पेशली समर सीज़न के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है। मेकअप करने से पहले अगर आप लोग ये इस तरह की एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आज का रिव्यू इतना ही है। इस तरह के रिव्यू के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा।